बड़ी खबर के साथ उस वक्त के बुलेटिन की हम शुरुआत करते हैं। तेलंगाना से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सचिन हमारे साथ बने हुए हैं, इसके साथ ही अमनदीप हमारे साथ बने हुए हैं। और मीनाक्षी, बड़ी खबर लगातार जो हम बता रहे हैं कि वो ये कि PFI के कई ठिकानों पर NIA कार्रवाई कर रही है, एक बड़ा एक्शन यहाँ पे लिया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, तेलंगाना में NIA के छापेमारी हुई है। PFI केस में निजामाबाद से बड़ा खुलासा भी हुआ है। गिरफ्तार कराटे टीचर का खौफनाक कबूलनामा भी अब सामने आ गया है। कराटे की आड़ में आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही थी, ये बड़ा खुलासा तेलंगाना से हुआ है। चाकू लोहे की रॉड से ये ट्रेनिंग दी जा रही थी। और ये देखिए जानलेवा वार की ये तस्वीर, जहां पे इन सभी लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, मौत के घाट उतारने की दरअसल ये ट्रेनिंग दी जा रही है। कराटे टीचर अब्दुल कादर की निजामाबाद से गिरफ्तारी हो चुकी है। कई जगहों पर देखिए जो इनके जो आका है, जो लीडर्स है, उनको गिरफ्तार करने की यहाँ पर NIA पूरी कोशिश कर रही है। कुछ राज्यों से गिरफ्तारियां भी हुई है और अभी छापेमार कार्रवाई अलग अलग हिस्सों में जारी है। तो PFI लीडर्स के कहने पर ट्रेनिंग सेंटर खोला गया था और कराटे की आड़ में आतंक की ट्रेनिंग यहां पर दी जा रही थी, लेकिन अब गिरफ्तारी हो गई है और कबूलनामा भी सामने आया है। देखिए इस पूरे मामले को लेकर बुधवार रात से कार्रवाई लगातार जारी है। अलग अलग राज्यों में अब तक एक्शन जो है वो हो चुका है। और ऐसे में आपको ये भी जानकारी दे कि PFI के नेशनल चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया, दिल्ली चीफ को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो लगातार सड़कों पर उतर आए, जमकर विरोध किया। चाहे PFI की बात करें या फिर SDPI की बात करें, विरोध की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए कनेक्शन कहां कहां तक है। जी हाँ, PFI जो लगातार हर बार सुर्खियों में, आज आपा में हिंसा हुई है। तो PFI लीडर्स के कहने पर खोला गया था ट्रेनिंग सेंटर, ये भी जानकारी मिल रही है। PFI हर महीने मुहैया करा रहा था मोटी रकम। तो देखिए कि एक बड़ी साजिश रची गई थी इसके तहत, और यही एक कारण है कि अब इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। लेकिन लगातार छापेमारी जारी है। कराटे टीचर अब्दुल कादर निजामाबाद से गिरफ्तार किया गया है। घर की छत पर ही आतंकी ट्रेनिंग सेंटर बना रखा था, जहां ट्रेनिंग दी जा रही थी। PFI लीडर्स के कहने पर ये ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा था। देखिए ये आपको उन चेहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर NIA की छापेमारी कार्रवाई की गई है। डिंडीगुल, मंगलुरु और मलपुरम, ये वो जगह है जहां पर छापेमारी की जा रही है। तो कई सारे स्टेट जहां पर NIA छापेमारी कर रहा है और कई सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो ये 8 तस्वीरें आपके सामने, और उसके बाद देखिए कहां कहां गिरफ्तारियां हुई है, वो तमाम जगह की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर तेलंगाना से आई, जहां पर एक कराटे टीचर जो आतंक की ट्रेनिंग दे रहा था, कराटे ट्रेनिंग की आड़ में इसका बड़ा खुलासा हुआ है। PFI उसे फंड कर रहा था। PFI लीडर्स के कहने पर कहा जा रहा है कि ट्रेनिंग सेंटर खोला गया था। इस बीच समर्थक जो है PFI के, वो सड़कों पर विरोध करते गिरफ्तारी की नजर आ रहे हैं। तो देश के अलग अलग राज्यों से गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं। तो बिहार का जो पूर्णिया इलाका है, यहाँ पर लगातार ये जो हम ये कह सकते हैं PFI से जुड़े लोग हैं, इन्होंने अपना गढ़ मजबूत कर लिया था बीते दिनों, और यहाँ पर कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही अलग अलग हिस्से जो तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं, जहां पर कार्रवाइयों का दौर जारी है। आंध्र प्रदेश हो, बिहार हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, पुणे हो, हैदराबाद हो, यहां पर भी ताबड़तोड़ एक्शन NIA का देखने को मिल रहा है। दरअसल PFI पर किस तरीके से इनकी जड़ों को कमजोर करना है, ये देखिए दिल्ली से भी जो तस्वीर सामने आई कि दिल्ली से भी जो परवेज नाम का शख्स है उसको गिरफ्तार किया गया, उसके भाई को गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ ही बंगलुरु और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी ये कार्रवाई की जा रही है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित लगातार बने हुए हैं। रोहित, फुलवारी शरीफ की बात कर लें या फिर और तमाम जगहों की, टीचर बनकर तमाम युवाओं का ब्रेन वॉश करने की पूरी कोशिश की जा रही है, यह साजिश शब्द नाकाम होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अब केंद्रीय एजेंसियां ये कंबाइंड एक्शन जो है वो अब देखने को मिला है। और इस पूरे मामले को लेकर सचिन दुबे, इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय बहुत ज्यादा एक्टिव है, और इसी क्रम में वो बड़ी खबर भी हिंदुस्तान बता ही चुका है। गृह मंत्री अमित शाह NSA अजीत डोवाल के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में 100 से अधिक ठिकानों पर PFI पर रेड हुई है। देखिए मैं इस वक्त शाहीनबाग में मौजूद हूं और यहां पर बहुत तेज बारिश भी हो रही है। मेरे सीधे हाथ पर जो आपको ये पूरा इलाका दिख रहा होगा, यहीं से थोड़ा नीचे जाके वो PFI का नया ऑफिस था, जहां पर अब से कुछ वक्त में वो शिफ्टिंग का प्लान बना रहे थे। और पुराना ऑफिस मेरे दाहिने हाथ पर है, जहां पर पहले ही सारा सामान जो है उसको समेटा जा चुका था। लेकिन अब ना यहां पर PFI आने वाली, ना यहां पर PFI आने वाली, क्योंकि अब गृह मंत्रालय बहुत ज्यादा एक्टिव है। 100 से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं। आप देखिए केरल, जिसको माना जाता है जहां से PFI का बीज जो है उसे बोया गया था, वहां से चेयरमैन की गिरफ्तारी होना, 26 से अधिक गिरफ्तारी साउथ में, 26 से गिरफ्तारी
केरल में हुई है, ऐसे ही अलग अलग जगह, चाहे वो तेलंगाना हो, मंगलुरु हो, वहां पर कहीं पर 22, कहीं पर 25, और अभी ये गिरफ्तारियों का आंकड़ा और बढ़ सकता है सचिन, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में आप कोई भी घटना को उठा लीजिए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम उसमें जरूर जुड़ा है। फुलवारी शरीफ का आप जिक्र कर रहे हैं, और ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, ये जो पूरी रेड चल रही है, ये अभी की नहीं है, इससे पहले भी लगातार 40 अलग अलग जगहों पर। दिल्ली से जैसा कि अपडेट है कि 2 से 3 गिरफ्तारियां हुई है, परवेज और उसके भाई की गिरफ्तारी हुई है, जिससे कई लीड मिल सकती है। रोहित बने रहे हमारे साथ, तुषार भी लगातार बने हुए लखनऊ से, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में कानून काफी ज्यादा सख्त है और कानून का खौफ भी है, और यही वजह है कि वहां पे विरोध के सुर नहीं देखने को मिल रहे हैं इस कार्रवाई को लेकर। फिलहाल तुषार ये बताए, कार्रवाई कहां कहां जारी है, कितने ठिकाने ऐसे हैं जिसे चिन्हित किया जा रहा है, क्या अपडेट है कार्रवाई को लेकर? देखिए पुलिस ने अभी तक 8 लोगों को यूपी से हिरासत में लिया है, लखनऊ से 2 लोगों को, बाराबंकी से 1, बहराइच से 1, वाराणसी से 2, मुजफ्फरनगर से 1, सहारनपुर से 1। आपको तस्वीरें दिखाऊं तो इस वक्त मैं लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में हूं, यहां पे वसीम का ये घर है, और वसीम जो पीएफआई का सक्रिय सदस्य है, संदिग्ध है, उसके पास से कई संदिग्ध वस्तुएं मिले, उसको एनआईए ने हिरासत में लिया। इससे पहले भी ये सीएनआरसी दंगे के मामले में जेल जा चुका है, 5 महीने पहले ही जमानत पे बाहर आया था। इसके अलावा पाकिस्तानी झंडा फहराने के मामले में भी इसको हाउस अरेस्ट गाजीपुर पुलिस ने पहले ही किया था। तो ये वसीम है, इसके अलावा इसी मोहल्ले से ही लौकुश नगर है, वहां से भी एक इसके साथी को एनआईए ने हिरासत में लिया। देर रात एनआईए की कई टीमें एक साथ यहां पे छापेमारी की थी, इनके अलावा कई 2-3 ट्रकों से सीआरपीएफ के जवान पहुंचे थे और पूरे इलाके को घेर लिया था। जब वसीम से पूछताछ की गई, 4 से 5 घंटे इससे पूछताछ की गई, उसके बाद इनसे इस घर की तलाशी ली गई, घर के अंदर से तमाम संदिग्ध वस्तुएं मिली, पंपलेट मिले, कई लैपटॉप में कई ऐसे कागजात मिले जो संदिग्ध थे, उसके बाद एनआईए ने इसको हिरासत में ले लिया और एनआईए यहां से लेकर जा चुकी है। आपको बताऊं तो ये एक पीएफआई का सक्रिय सदस्य माना जाता है। सीएनआरसी दंगे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खौफ, जिसके चलते विरोध की स्वर उत्तर प्रदेश में नहीं देखे जा रहे। साउथ भी हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, साउथ का रुख कर लेते हैं। साउथ आप जहां पर मौजूद है, वहां क्या ताजा अपडेट मिल पा रही है, कहां कहां छापेमारी की जा रही है और क्या गिरफ्तारी वहां से भी कुछ हुई है? देखिए अगर वाराणसी की बात कर ले तो वाराणसी से 2 युवकों को उठाया गया है, ये बात जरूर कही जा रही है कि एटीएस की टीम आदमपुरा और जेतपुरा इलाका है यहां पर वाराणसी में, वहां पर पहुंची और 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल उन लोगों को कहां रखा गया है, एटीएस उन्हें लेकर के कहां गई है, ये गुप्त रखा गया है। लोकल थाने में भी इसकी इन्फॉर्मेशन बताई जा रही कि है, लेकिन वो मीडिया से शेयर नहीं कर रहे हैं। और ये पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन, अगर पूरे दिल्ली पूरे यूपी की बात कर ले, यूपी में जहां जहां पर छापेमारी हो रही है, तकरीबन 8 लोगों की जो गिरफ्तारियां हुई है, ये सारा कुछ सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन लखनऊ से ही आ रही है, क्योंकि वाराणसी में कोई भी अधिकारी या फिर एटीएस की टीम जो सुबह छापेमारी करने पहुंची थी, अब वहां से वो निकल चुकी है, वो कहां लेके गई है उन दोनों युवकों को, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। फिलहाल की अगर आप बात करें तो फिलहाल इस वक्त वाराणसी के किसी और इलाके में छापेमारी की बात नहीं आ रही है, लेकिन सुबह सुबह आदमपुरा और जेतपुरा इलाके में एटीएस की टीम पहुंची थी, एकदम तड़के पहुंच करके वहां पर छापेमारी की गई और 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश से कुल 8 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, पीएफआई से जुड़े हुए ये लोग हैं, और अभी तक अगर बात कर लें तो जो 106 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में कई जगह पर छापेमारी हुई, दिल्ली में शाहीनबाग ओखला में इलाके में जो पीएफआई के दफ्तर थे उसे सील कर दिया गया, जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो पीएफआई का अध्यक्ष था उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके अलावा ओमान सलीम जो पीएफआई का चेयरमैन है, अध्यक्ष है, उसे सबसे बड़ी बात मानी जा रही है कि उसकी गिरफ्तारी सबसे बड़ी गिरफ्तारी है इस पूरे मामले में। कई पदाधिकारी भी गिरफ्तार हुए हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जो टेरर फंडिंग या टेरर लिंक को लेकर के जो पीएफआई लगातार सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर था, आज उस पर यह सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। और सिर्फ पीएफआई पर नहीं बल्कि आतंक के टेरर लिंक को लेकर के पूरे देश में अब तक यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। और यह भी समझ लीजिए कि जब फुलवारी शरीफ में बिहार में यह मामला सामने आया था कि बकायदा एक कैंप चला करके वहां पर युवाओं को रेडिकलाइज किया जा रहा था, उससे जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे, जो वहां पर लिटरेचर मिली थी, उसमें जो किताब मिली थी, वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली थी। और तब से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, वो लगातार अपना जाल बिछा रही हैं, लगातार इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रही हैं। और जब पीएफआई के बारे में जानकारी इकट्ठा की गई तो ये समझ में आया कि एक बहुत बड़ा प्लान है। ठीक है आपके पास, लेकिन तुषार रोहित दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुषार मैं आपका रुख कर रही हूँ, एक बात बहुत साफ है इन तमाम चीजों से कि लंबे वक्त से एनआईए और ईडी जो एक फेरिस्ट तैयार कर रही थी और चिन्हित करने के बाद सही वक्त का इंतजार कर रही थी। लौटेंगे आपके पास तुषार, लेकिन बड़ी खबर जो आ रही है वो बता दे, पीएफआई पर एनआईए की छापेमारी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। एनआईए के छापे पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक की है, बैठक में एनएसए, जोभाल,
डीजीएनआईए भी शामिल हुए हैं मीटिंग में, गृह सचिव भी मौजूद रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 12 राज्यों में एनआईए की छापेमारी जारी है, लेकिन जो इनपुट्स लगातार एनआईए की टीम को मिल रहे हैं उसके आधार पर यह कार्रवाई हो रही है। 12 राज्य, 100 ऐसे ठिकाने जिन्हें चिन्हित कर कार्रवाई की गई। कई ऐसे बड़े लीडर्स हैं जिनकी गिरफ्तारी इस वक्त हुई है। शिवम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम, बड़ी बैठक चल रही है, गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए, एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में शामिल हुए। आगे अब किस तरीके से इस पूरे हम ये कह सकते हैं कि मामले में एक्शन लेने की तैयारी की जाएगी, इसकी प्लानिंग चल रही होगी, क्या अपडेट्स हैं बैठक से जुड़ी? ब्लॉक में मेरे पीछे आप जो विजुअल देख रहे हैं वहां पर गृह मंत्रालय में बैठक चल रही थी। एनएसए अजीत डोभाल के अलावा गृह सचिव अमित शाह के साथ मौजूद थे, गृह मंत्री के साथ, उनको पूरी डिटेल दी गई, बाकायदा ब्रीफिंग की गई कि किस तरीके से कार्रवाइयों का दौर चला है। और जो मेरे सूत्र कहते हैं वो कि डीजे एनआईए और एनएसए दोनों ही पूरी रात इसको मॉनिटरिंग करते रहे कि कहां कहां एनआईए रेड कर रही, चूंकि ऐसे इलाके थे जो गढ़ माने जाते थे पीएफआई के, ऐसे में सुरक्षा दृष्टिकोण से और उसके अलावा कहां कहां पर क्या गतिविधियां हो रही हैं ये सभी जानकारियां गृह मंत्री को दी गई है। लाल किले की प्राचीर से आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को यह कहा था, करप्शन और टेररिज्म इन दोनों पर जीरो टॉलरेंस रहने वाली है। ऐसे में पीएफआई जिस तरीके से बीते दिनों 100 घटनाओं में उसका नाम सामने आया, दंगा बलवा फसाद, देश में जिस तरीके से हिजाब को लेकर विवाद हुआ था जिसने पूरी दुनिया की सुर्खियां बटोरी, इन सब में पीएफआई का नाम था, जिस वजह से पीएफआई लगातार एनआईए की रडार पर थी। और 18 सितंबर को एक में जाती है, वहां पर एक कराटे टीचर है जो ट्रेनर होता है आतंकवादियों का, वो निकल कर आता है, उसकी निशानदेही पर 4 आतंकी गिरफ्तार किए जाते हैं और उनके ही निशानदेही पीएफआई सदस्यों के आधार पर ये कार्रवाइयां का दौर चला है। फिलहाल गृह मंत्री को सारी डिटेलिंग दी गई है, उनको बताया गया किसी भी बड़े पदाधिकारी को ऐसे नहीं उठाया गया है, उसके खिलाफ मजबूत सबूत और गवाह है, दबिश उसी आधार पर दी गई है, कार्रवाइयों का दौर जारी है। हालांकि गृह मंत्री ये जानना चाहते थे, सूत्र हमारे बताते हैं कि जो कार्रवाइयों का दौर चल रहा है इसके पीछे क्या क्या ठोस सबूत एनआईए के पास है, क्योंकि पीएफआई लगातार ये कहता रहा है कि मोदी सरकार हमें इसलिए टारगेट करती है क्योंकि हम उनसे सवाल करते हैं। एक तरफ जहां पीएफआई का मॉड्यूल है, आपने देखा होगा, चाहे वो कर्नाटक रहा हो, चाहे तेलंगाना रहा हो, केरल रहा हो, तमाम जगह पीएफआई के कई कार्यकर्ता आम आदमी के रूप में विरोध करते हैं इस कार्रवाई का। मैं आपको बता दूं कि ये भी जानकारियां निकलकर सामने आई है कि ये पीएफआई और एसडीएफआई के लोग होते हैं जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, जब कार्रवाइयों का दौर चले तो आप विरोध करिए, आम जनमानस के तौर पर सामने आइए, इसको लेकर भी गृह मंत्री को। ठीक है शिवम, आप लगातार नजर बनाकर रखिए, हमारी सहयोगी सोनिका भी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, गृह मंत्रालय के सामने है। सोनिका, देखिए गृह मंत्रालय की लगातार निगाहें जो है वो बनी हुई है क्योंकि कई राज्यों से शिकायत गई थी, इस बात की मांग हुई थी कि पीएफआई को बैन किया जाए इस देश से, शायद इसी के बाद जो सबूत मिले अलग अलग राज्यों से उसी के आधार पर अब ये एक्शन हो रहा है। बिल्कुल, देखिए गृह मंत्रालय में इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर अंतर अभी बैठक चल रही है, गृहमंत्री अमित शाह यहाँ मौजूद है, एनएसए अजय डोभाल यहाँ मौजूद है। दरअसल जिस तरीके से 12 राज्यों में छापेमारी की गई है, ईडी और एनआईए ने मिलकर पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और आपको याद होगा सचिन, बिहार में भी जब फुलवारी शरीफ मामले में पीएफआई के कई टेरर कनेक्शन जब भी सामने आए थे और उस वक्त भी इसी तरीके से छापेमारी हुई थी, और इसको लेकर के अब गृह मंत्रालय सख्त हो गया है और अब जो गिरफ्तारियां हुई है उनसे और भी जानकारी साझा ली जाएगी कि आपके और कहां कहां और किस किस राज्य में इसी तरीके से आप ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं या और भी कौन कौन शामिल है इस पूरे मामले में। तो गृह मंत्रालय में इस वक्त बैठक चल रही है और अजित डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी वहां मौजूद है, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी क्योंकि सख्त एक्शन अब लिया जाएगा पीएफआई को लेकर के बैन करने की मांग सचिन लगातार क्योंकि उनको हो रही है। और देखिए इस पूरे मामले में एनआईए जो कल रात से ही बीती रात से ही लगातार छापेमारी कर रही है और वो अभी भी जारी है अलग अलग राज्यों में, 12 राज्यों की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश शामिल है, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, जैसे यहाँ दिल्ली में भी कई जगहों पर छापेमारी की गई, कई ठिकानों पर पीएफआई। बिल्कुल ठीक है, ठीक है सोनिका, नजरें बनाए रखिए। लेकिन रोहित हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। रोहित, सवाल यही है क्योंकि देखिए जिस तरह से छापेमारी हो रही है, एक्शन में है इस वक्त एनआईए की टीम, इससे साफ है कि लंबे वक्त से तैयारी की जा रही थी, सही वक्त का इंतजार किया जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एनआईए और ईडी दोनों बड़ी एजेंसी है, दोनों स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन दोनों का काम बिल्कुल अलग अलग है। एनआईए इन्वेस्टिगेट करती है उन मुद्दों को जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े होते हैं, तो वहीं ईडी उन मामलों को देखती है जिसमें पैसों का लेन देन होता है। 18 सितंबर को जो 40 से अधिक जगहों पर रेड हुई थी उसमें जब बड़ी मात्रा में कैश मिला, हवाला ट्रांजेक्शन मिले, तो इसमें ईडी की भी एंट्री हो गई। अब देखिए एक साथ
दिल्ली समेत अलग अलग राज्यों में, साउथ की पूरी बेल्ट की हम बात कर रहे हैं जहां से सबसे ज्यादा गिरफ्तारी हुई है, 60 से 70 गिरफ्तारियां हमें साउथ रीजन से ही हुई है। इसके अलावा महाराष्ट्र, पूर्वी महाराष्ट्र के इलाके हो गए, थाने के इलाके हो गए, जहां पर पिछले कुछ वक्त में पीएफआई बहुत ज्यादा एक्टिव होता हुआ नजर आया है। इसी नेक्सस को तोड़ने के लिए एनआईए बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है, देखिए सीधी नजर रखी जा रही है केंद्रीय गृह मंत्रालय से, और उसी के चलते ये बड़ी कार्रवाई से माना जा रहा है। तुषार भी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तुषार का रुख कर लेते हैं। तुषार, ये बताइए कि छापेमारी को लेकर ताजा अपडेट क्या है, कितने लोगों को अभी तक उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया है और कितने नाम ऐसे हैं जो सामने आ रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी जल्द हो सकती है? देखिए, अभी तक 8 लोगों को एनआईए ने हिरासत में लिया है, जिसमें से लखनऊ से 2, बाराबंकी की कुर्सी से 1, बहराइच के जरवल से 1, कमरुद्दीन को, इसके अलावा वाराणसी से 2, साथ ही मुजफ्फरनगर से 1, सहारनपुर से 1, कुल 8 लोगों को एनआईए ने हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। देखिए, अब किसी के यहाँ छापेमारी नहीं चल रही है, क्योंकि एनआईए ने वेल प्लान तरीके से एक साथ सभी जगहों पर छापेमारी की, चाहे वो यूपी का पूर्वांचल हो या पश्चिम हो, केरल हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हर जगह एनआईए ने एक साथ छापेमारी की थी, जिससे कि किसी भी संदिग्ध को भागने का मौका ना मिले। और एनआईए ने पूरी प्लानिंग के तहत यहां पे आई थी, और 3 ट्रक सीआरपीएफ के जवान थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान थे, और एनआईए की टीम थी, ईडी की टीम थी, वो सीधे यहां पर पहुंची थी। और पहुंचने के बाद पूछताछ की, 4 से 5 घंटे पूछताछ किया गया, उसके बाद घर की तलाशी ली। बिल्कुल तुषार, देखिए कि गिरफ्तारियां लगातार बढ़ रही हैं, संख्या लगातार बढ़ रही है। हमारे साथ इस वक्त साउथ लगातार बने हुए हैं, साउथ पीएफआई जिसका गठन तो हुआ था एक विशेष समुदाय के खिलाफ अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए आवाज उठाने के लिए, लेकिन अब हम देख पा रहे हैं पीएफआई जिसका कनेक्शन आईएसआईएस से, सेमी से, सीए, एनआरसी हो, कहीं ना कहीं देश में अशांति फैलाना ही इसका मुख्य एजेंडा हो गया है। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सचिन आप, और 2006 का वो साल है जब पीएफआई जो है वो शक्ल में आई, और कई अलग अलग जो संगठन हैं उनको मिला करके पीएफआई का गठन किया गया था। 2006 के बाद से ही लगातार जो है वो ऑपरेट कर रही थी और बहुत ज्यादा वेल प्लान्ड तरीके से अपना जो है वो दायरा बढ़ाती चली गई। साउथ के रीजन में सबसे ज्यादा उसने अपना दायरा बढ़ाया, महाराष्ट्र पर उसने फोकस किया, और उसके बाद वो धीरे धीरे देखिए बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तमाम जगहों पर फैलती चली गई। और देखिए वो क्या कहते, पीएफआई ये कहती है कि अल्पसंख्यकों को हम मजबूत करना चाहते हैं, उनके अधिकारों की हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे जुल्म पर हम आवाज बुलंद करेंगे, और वो पब्लिक सेंटीमेंट भी हासिल करने की कोशिश करती है। देखिए, जो कोरोना का काल था वो सबसे ज्यादा उसके लिए बूस्टअप वाला काल रहा, क्योंकि पीएफआई जो है वो लगातार एक्टिव तो थी, लेकिन कोरोना काल में उसने ऐसा काम किया कि जब लोगों की लाशें लोग नहीं छू रहे थे या फिर उन लाशों को वो जला नहीं रहे थे, दफना नहीं रहे थे, तो एनजीओ के शक में पीएफआई के लोग आए और बाकायदा उन लोगों ने एक तरीके से सोशल वर्क करके लोगों की सिंपैथी हासिल करने की कोशिश की, और ये एक इमेज बिल्डिंग की कोशिश थी कि पीएफआई असल में एक समाज सेवी संगठन है और वो किस तरीके से समाज के बेहतरी के लिए काम कर रहा है। लेकिन अगर एटीएस, एनआईए और ईडी, ये तमाम जो दिल्ली से बने हुए साउथ, क्योंकि दिल्ली में भी कई गिरफ्तारियां हुई हैं, बताया जा रहा है 2 से 3 दिल्ली में हुई है। शिवम परवेज नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जो कि बताया जा रहा है अध्यक्ष भी है, पदाधिकारी भी है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास, क्योंकि एक रिपोर्ट दिखानी जरूरी है कि किस तरीके से आखिर पीएफआई की कमर को तोड़ा जा रहा है ताकि आतंक पर एक बड़ा प्रहार किया जा सके। बैंगलोर से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं बेंगलुरु में एसके गार्डन स्थित पीएफआई के हेडक्वार्टर्स के ठीक सामने मौजूद हूं। आप सब देख सकते हैं कि ये 2 मंजिला इमारत और यहीं पर पीएफआई का हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु का। आज तड़के सुबह यह एनआईए ने ईडी के साथ मिलकर के संयुक्त रूप से एक रेड डाली है, और इस दौरान इस दोनों मंजिलों को पूरी तरह से खंगाला गया है। जो हमारे पास सूचना है उसके मुताबिक एनआईए ने यहां पर से कई तरह के कागजात जब्त किए हैं, लैपटॉप को जब्त किया है, और इस वक्त ऑफिस में मौजूद जितने भी लोग थे उन सभी लोगों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि लगभग 4 से 5 घंटे चली इस रेड के बाद इस पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया है, और इस वक्त यहां पर पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद है। इसके साथ ही इस जगह पर कई तरह के प्रोटेस्ट भी सुबह में देखने के लिए नजर आए थे, उन तमाम प्रोटेस्टर्स को भी हटा दिया गया है। फिलहाल ये बिल्डिंग जो है सील कर दी गई है और किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। कैमरामैन तारक रामू के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु। चलिए, तो लगातार एक तरफ बैठक हो रही है, दूसरी तरफ हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं कार्रवाई से जुड़ी हुई अलग अलग हिस्सों से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए इसी के साथ यहां रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।